नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अभी बिहार में लैंड सर्वे 20 अगस्त से शुरू हो गया है, मंगलवार से, और लोगों के तमाम तरह के इस पे सवाल है कि कैसे करवाएंगे, क्या होगा, नहीं होगा, कौन से कागजात होंगे, मेरा ज़मीन दादा परदादा के नाम से है, अब अपने नाम से कैसे करवाएं, कोई कागज़ नहीं है या कुछ छूट गया है, किसी का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, किसी का रसीद नहीं है, किसी के पास दस्तावेज नहीं है। उन तमाम सवालों को लेकर हम समस्तीपुर के कोर्ट परिसर में हैं जितेंद्र सर से मिलने के लिए, और उनके साथ ही जो उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, दोनों सर से हम बात करेंगे, दोनों से जानने का प्रयास करेंगे क्या सब चुनौती होगा सर और क्या सब समाधान है इसके, बताना चाहेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। सर, मैं आपके इस न्यूज़ चैनल में उपस्थित हूँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और आपका जो प्रश्न है, जिस सर्वे के कारण जो आम पब्लिक के साथ जो समस्या या उसको मिलने वाले लाभ हैं, उसमें जो बात है उसको मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से रखना चाहूँगा, ताकि जो व्यक्ति इस विषय बार बिंदु को न जानते होंगे वो भी जानने का प्रयास करेंगे, और जानते होंगे तो किस ढंग से आगे बढ़ेंगे, ताकि जो है सो ये सर्वे का कार्य जो है सुनिश्चित रूप से, सुचारू रूप से और बिना विघ्न बाधा का निपटारा हो सके, और भविष्य में उस सूट पर किसी भी ढंग का कोई जो मैंने विवाद की वस्तु खड़ी ना। इसमें सर क्या सब दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी? इसमें जो ज़मीन खतियानी है तो खतियानी है, उसके लिए खतियान होना आवश्यक है। जो केवाला से है, जो खरीदी गई ज़मीन है, वो केवाला होना आवश्यक है। जो अगर किसी को जिस भी डॉक्यूमेंट, चाहे आतानामा हो, चाहे दान आतानामा हो, या केवाला हो, या और भी किसी भी ढंग का कोई डॉक्यूमेंट के द्वारा उनको अर्जित हो, तो उस जो है डॉक्यूमेंट को, कागजात को उनको प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। और उसी केवाला पर, उसी दान पत्र पर, उसी अनडॉक्यूमेंट के आधार पर उनका जो है दाखिल खारिज होता है। तो वो दाखिल खारिज अगर हुआ तो उसका रसीद भी उनको ज़रूरी है, और दाखिल खारिज नहीं हुआ तब उनके साथ समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि केवाला है सर और उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो ये दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उसके साथ क्या समस्या उत्पन्न होगी? अगर केवाला है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो चूंकि अभी जो ये ऑनलाइन सर्वे का काम चल रहा है या ऑफलाइन सर्वे का काम चल रहा है, जो सर्वे किया जा रहा है, तो सबको ऑनलाइन किया जाएगा। तो ऑनलाइन अगर किया जाएगा, उसमें ऑनलाइन अगर म्यूटेशन नहीं, दाखिल खारिज नहीं शो करता है, तो उस पर उनके लिए एक जो है माइनस पॉइंट आएगा, जो कि होना ज़रूरी है। वो किसान पे जिनका जमीन, हाँ, माइनस पॉइंट आएगा। तो अगर दाखिल खारिज नहीं है, उस परिस्थिति में भी ऐसी बात नहीं है कि वो उस ज़मीन से डिस्पोजिशन में चले जाएंगे, वह ज़मीन उनकी है, उसके लिए जो केवाला है या दान पत्र है, जो भी है, खतियान है, उनको प्रोड्यूस करना होगा, और उसके साथ साथ उनका पोजिशन क्लियर होना चाहिए, जो वास्तव में उनका पोजिशन उस ज़मीन पर है कि नहीं है। अगर वास्तव में उनका पोजिशन है तो वहाँ खड़ा होकर के फ़ोटो खिंचाना होगा और दिखाना होगा कि वास्तव में उनका पोजिशन है, और उस पोजिशन के आधार पर उनको वहाँ जो है सर्वे में उनका नाम आएगा। तो एक तरह से सर ये जो सर्वे होगा, तो क्या इस सर्वे के आधार पर नया नया मैप भी बन सकता है प्रत्येक गाँव का क्या? हाँ, यह जो है अभी जो बनाया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, सर्वे करने का जो प्रस्ताव आया है, उस पर जो आगे कार्य किया जा रहा है, उस पर प्रत्येक व्यक्ति का जिनका जहाँ जहाँ जो मौजा है, जो थाना नंबर है, जो उस थाना नंबर, वो मौजा में, थाना नंबर में, उसका जो है सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद उसका जो है सो नक्शा बनेगा, और उस नक्शा के आधार पर फिर पुनः जो है वो जो है से खतियान बनेगा, जो खतियान बाद में प्रकाशित किया जाएगा, और प्रकाशन के बाद अगर उसमें किसी ढंग का कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए उसमें जो है सो समय दिया जाएगा, जिस समय में वह व्यक्ति अपना उस समय के अंदर में, लिमिट के अंदर में, वो अपना जो है सो अपना आपत्ति दाखिल कर सकता है, और उसकी सुनवाई होगी। जैसे दफ़ा 103 है, 106 है, उसके बाद 109 होता है, तो यह सब बात उसमें होगा, और उसके बाद उसमें सुनवाई के बाद उसमें जो है ऐड करना हो, जो भी करना हो वो ऐड किया। बहुत सारे लोग देखते हैं कि जैसे कि हिंदू का एक अलग लॉ होता है संपत्ति बंटवारा का, मुस्लिम का अलग लॉ, तो क्या इस जो अभी जो होगा लैंड सर्वे, इसमें हिंदुओं के लिए कुछ अलग परेशानी या मुस्लिम के लिए अलग परेशानी का तो सामने, यह कॉमन समस्या रहेगा दोनों के लिए? देखिए, जहाँ हिंदू और मुस्लिम लॉ की बात है, लॉ तो अलग है, लेकिन संपत्ति की जहाँ तक बात है, तो वहाँ जो है कुछ जो है दोनों में अंतर आता है। लेकिन संपत्ति की जहाँ तक बात है, तो उसमें उनको जो है निश्चित रूप से वहाँ उनको टाइटल ऑफ पोजीशन
उसके बाद डीड, और उसके बाद जो उनसे संबंधित अपना जो भी बात हो, जैसे जीटी है, जीटी तो चाहे मुस्लिम लॉ का हो चाहे हिंदू लॉ का हो, जीटी तो 100% देना है। जीटी हो गया आपको वंशावली, जो आप जो है जैसे आपके परदादा के नाम का जो ज़मीन है तो आपके पिताजी के नाम पर, आपके नाम पर जो है उसी को जीटी कहते हैं, वंशावली कहते हैं। तो आप जो है वंशावली दाखिल करेंगे वो तो करना आपको नहायत ही ज़रूरी है। जब तक नहीं करेंगे तब तक ये कैसे पता चलेगा कि वह ज़मीन जो है जिस जो आपके दादा के नाम का है, परदादा के नाम का है, तो वह ज़मीन जो है उसका कितने शेयरदार होंगे, उनके जो है जो लीगल हेयर हैं, उनके पुत्र हैं या पौत्रगण हैं, कितने वो लीगल हेयर है, तो उससे जीटी से ही पता चलता है। बहुत लोगों के पास होता है ना कि अति क्या कहते हैं, कागजात नहीं होते, डॉक्यूमेंट नहीं होते, उनके दादा परदादा के नाम है लेकिन उनके पास ना खतियान है, ना दस्तावेज है, ना कोई रसीद है, तो उन लोगों को कैसे फिर कैसे करना होगा, कैसे करेंगे वो लोग? उन लोगों के लिए बिहार सरकार ने अभी जो ऑनलाइन का जो कार्यक्रम किया है, उस ऑनलाइन के कार्यक्रम में बिहार सरकार सारा जितना भी जहाँ जहाँ का जो मौजा है, रकबा है, थाना नंबर है, वो जिला है, उसका जो है सारा का जो है सो ऑनलाइन किया है पेपर को। पेपर लेकिन इसमें मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि बहुत ऐसा जगह है जहाँ ऑनलाइन पेपर हुआ ही नहीं। अब जैसे किसी का ऑनलाइन जो है सो खतियान नहीं हुआ, किसी का रजिस्टर डी ऑनलाइन नहीं हुआ, किसी का जो है सो वहाँ जो है सो जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हुआ, किसी का कहीं जो है सो कहा जाता है कि मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप ज़मीन जोत रहे हैं, बुझ रहे हैं हमको वो शेयरदार है वो देगा या वो देगा, आप अंचल में जाते हैं वहाँ आपको उससे संबंधित कागजात नहीं मिलती है, और आप शुरू से लेकर के जो है पोजिशन में है, खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, और आप जब उसके कंसर्निंग जहाँ भी उससे आपको ये केवाला मिलने का या खतियान मिलने का या रजिस्टर डी मिलने का या मान लीजिए आपको और भी चीज़ मिलने का जहाँ जानकारी होती है, आप वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं यहाँ जो है विनष्ट हो गया, यहाँ जो है सो क्या कहते हैं जो ये आपको जो है यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ उस परिस्थिति में उनके साथ जिन व्यक्ति को यह चीज़ नहीं मिल रहा है वहाँ उनके साथ जो है बहुत ही परेशानी उत्पन्न होगा। और वहाँ सरकार को चाहिए कि पहले जब तक कि वह जितने भी जिस भी पंचायत का हो, जिस मौजा का हो, जिस थाना नंबर का हो, जिला का हो, जहां आप सर्वे कर रहे हैं उस पंचायत का निश्चित रूप से ऑनलाइन, उस पंचायत का निश्चित रूप से ऑनलाइन आपका जो है सो सारा पेपर डिजिटल होना चाहिए, ऑनलाइन हो जाना चाहिए, उसके बाद ही वहाँ का जो है सर्वे होना चाहिए, और जहाँ का जो ऑनलाइन नहीं है पेपर वहाँ सर्वे नहीं किया जाना चाहिए। डिजिटलाइजेशन का सर आपके कोर्ट में मान्यता होगी, जो डिजिटलाइजेशन कागज उपलब्ध है डिजिटल तौर पे जो उपलब्ध रहेंगे उसको सर कोर्ट में कहते हैं ना कि उसको चैलेंज कर सकता है लोग? हाँ देखिए, उसमें दो ढंग की बात है, डिजिटल जो हो गया तो डिजिटल हुआ, ऑनलाइन पेपर हुआ, और ऑनलाइन पेपर जो है उसमें लिखा रहता है, उसमें भी लिखा रहता है, वो बहुत कुछ लिखा रहता है कि कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी चीज़ का अगर आप सर्टिफाइड कॉपी ले लेते हैं जिसमें जिस कार्यालय से आपको प्राप्त है, जिस पदाधिकारी के साइन एंड मोहर से प्राप्त है, तब आपका वो जो है वैलिड है, वो वैलिड होगा जी, क्यों नहीं होगा, और उसको जो है न्यायालय भी देखते हैं, जज साहब भी देखते हैं, और उस आधार पर फैसला भी करेंगे। बहुत सारे लोग जो है सर विदेशों में रहते हैं, जैसे कि USA हो गया, सऊदी अरब हो गया, UAE कतर हो गया, बहुत सारे देश में या बहुत जगह, मान लीजिए अभी बिहार में हम लोग हैं तो पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बहुत जगह दूसरी जगह जानते हैं कि बिहार के लोग काम करने के लिए जाते हैं, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तो उन लोगों को क्या फिर उनको घर आना होगा या नहीं आएंगे उनके यहाँ फैमिली मेम्बर आएंगे उससे हो जाएगा? देखिए, इसमें यहाँ आप दो ढंग की बात है कि अगर किसी किन्हीं के भाई विदेश में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, या अपने देश में ही रहते हैं, किसी अन्यत्र जगह हैं, जो उस सर्वे के दौरान नहीं उपस्थित हो पाते हैं, तो अगर वहाँ वास्तव में उनके जो भी पटीदार हैं, फरीक होंगे, अगर वो वास्तव में इस चीज़ को वहाँ रेज करते हैं कि नहीं हम मेरे पिता की संपत्ति है, मेरे दादा की संपत्ति है, उसमें हम दो भाई हैं, दो बहन हैं, और इसमें यह शेयर जो है मेरे अधिकार क्षेत्र में है, यह शेयर मेरे भाई के अधिकार क्षेत्र में, यह शेयर मेरे बहन के अधिकार क्षेत्र में है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा चूँकि उनका नाम ऑलरेडी रिकॉर्ड पर आ जाएगा। लेकिन बहुत जगह यह भी बात देखने को मिलती है कि
कि कोई भी भाई कोई विदेश में है, कोई या अन्यत्र है, यहाँ सर्वे का काम चल रहा है या कोई चल रहा है, उस परिस्थिति में उनका नाम छिपाते हुए, वह अपना नाम देते हुए, उस डॉक्यूमेंट को अपना कहते हुए और यह साबित करते हुए कि नहीं, इसका उत्तराधिकार मैं ही हूँ और भी जो है उन्होंने मुझे पावर दे दिया, ओरल दे दिया या लिखित रूप से दे दिया कह करके, वो अपना अगर उस पर अपना अधिकार अगर कोई चीज़ देखते हैं या बताते हैं और उस के अनुपालन में अगर वह सर्वे में उसका नाम अगर आ जाता है तो वास्तव में वो विदेश में बैठे हुए जो भी व्यक्ति हैं, नेत्र रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ भविष्य में निश्चित रूप से वो जो है उनके लिए जो है एक विवाद पैदा होगा, लेकिन जो विवाद वर्षों वर्ष लड़ने के बाद समाप्त होगा, वो सब वर्षों लड़ने के बाद ही, लेकिन अगर उनका हिस्सा है तो उनका हिस्सा लेट से ही लेकिन कोर्ट में लड़ने के बाद मिलेगा, लड़ने के बाद मिलेगा, लेकिन उसके लिए उनको बहुत परेशानी होगी, बहुत सारा डॉक्यूमेंट उनको उपलब्ध करना होगा, उसके लिए उनको जो है उसके लिए उनको जो है अब उसका भी सर्टिफाइड कॉपी लेंगे, फिर अपने जो है सो जमीन जथा का सर्टिफाइड कॉपी लेंगे, उसके बाद वहाँ से जो है सो अपना आपत्ति दर्ज करेंगे, वहाँ फिर फैसला होगा, उसके बाद होगा, तब तक तो बरसों बरस लग जाएंगे।